दोस्तों, अगर फास्ट फूड और रेस्टोरेंट्स के खाने की बात आए तो दो नाम अक्सर लिए जाते हैं। मैकडोनल्ड्स के बर्गर और केएफसी के फ्राइड चिकन दुनिया भर में मशहूर है और इनके स्वाद के बहुत चर्चे हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैकडोनल्ड्स और केएफसी में ज्यादा बेहतर कौन सी कंपनी है और इनमें फर्क क्या है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड की दो सबसे फेमस फूड कंपनीज मैकडोनल्ड्स और केएफसी के बीच एक कंपैरिजन करेंगे, इनके हिस्ट्री से लेकर फाउंडर्स और रैंक से लेकर मार्केट शेयर और प्रोडक्ट्स तक। आज के इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स को करेंगे कंपेयर, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। केएफसी का मतलब है केंटकी फ्राइड चिकन और ये एक अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी है जो मशहूर है अपने फ्राइड चिकन के लिए। केएफसी के पैरेंट कंपनी यम ब्रांड्स है जिसके अंडर पिज्जा हट भी आता है। वहीं मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन भी एक अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी है। मैकडोनल्ड्स को मैकडी भी कहा जाता है और ये मशहूर है अपनी चीजी टेस्टी बर्गर्स के लिए। नंबर टू, हिस्ट्री। मैकडोनल्ड्स की शुरुआत दो सिबलिंग्स रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स ने कैलिफोर्निया में 1940 में की थी। इस कंपनी की शुरुआत एक हैमबर्गर स्टैंड से हुई थी, पर आज एक बेहद बड़ी कंपनी में बदल चुकी है। साल 1961 में मैकडोनल्ड्स ने अपना वर्ल्ड वाइड बिजनेस स्टार्ट किया। वहीं केएफसी के फाउंडर हार्लन सैंडर्स का जन्म 1980 में हुआ था। इनके परवरिश एक फार्म हाउस पर हुई थी। हार्लन के पिता की मौत हो गई जब वो सिर्फ 5 साल के थे। हार्लन अब अपनी माता के बाद घर के सबसे बड़े थे। उनके पीछे 2 बच्चे थे। 13 साल की उम्र में हार्लन ने घर छोड़कर कमाना शुरू कर दिया। घर में इन्होंने जो फ्राइड चिकन की रेसिपी सीखी थी उसी को बीचकर हार्लन ने शुरुआत की केएफसी की। साल 1940 में हार्लन ने बताया कि उनकी स्पेशल फ्राइड चिकन रेसिपी में वो 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। साल 1963 तक केएफसी के 600 रेस्टोरेंट्स थे जिसके कारण ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी बन चुकी थी। 1964 में हार्लन सैंडर्स ने अपनी कंपनी केएफसी को कुछ इन्वेस्टर्स को बेच दिया। 1930 में रोड साइड छोटे रेस्टोरेंट से स्टार्ट की ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनीज में से एक है और पूरी दुनिया में इसे बेहद पसंद किया जाता है। नंबर 3, फाउंडेड इन। केएफसी की शुरुआत सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे के नाम से मार्च 20, 1930 यानी आज से 90 साल पहले हुई थी। वहीं इसकी नई शुरुआत केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से 1952 में हुई यानी आज से 68 ईयर्स पहले। वहीं मैकडोनल्ड्स की शुरुआत आज से 80 ईयर्स पहले मई 15, 1940 में कैलिफोर्निया में हुई थी। नंबर 4, ऑनर्स। केएफसी की पैरेंट कंपनी यम ब्रांड है और इसके ऑनर्स एंड फाउंडर्स हार्लन सैंडर्स और पीट हरमन है। वहीं मैकडोनल्ड्स की फर्स्ट रेस्टोरेंट के ऑनर रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स थे। वहीं मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन के फाउंडर रे क्रॉक हैं। नंबर 5, केएफसी यम ब्रांड के साथ एक सब्सिडियरी कंपनी है। ये एक रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड इंडस्ट्री है। वहीं मैकडोनल्ड्स एक पब्लिक कंपनी है जो रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड इंडस्ट्री है। नंबर 6, हेडक्वार्टर। केएफसी का हेडक्वार्टर 1441 गार्डनर लेन लुइसविले केंटकी टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में है। वहीं मैकडोनल्ड्स का पुराना हेडक्वार्टर ओक ब्रुक इलिनॉइस में था, पर अब ये शिफ्ट हो चुका है शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में। नंबर 7, नंबर ऑफ लोकेशंस। केएफसी के रेस्टोरेंट्स 22,621 लोकेशंस पर है। इसका एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड है और मैकडोनल्ड्स के बाद नंबर ऑफ लोकेशंस में केएफसी का ही नाम है। वहीं मैकडोनल्ड्स में 38,695 रेस्टोरेंट्स है और इसका भी एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड है। नंबर 8, प्रोडक्ट्स। केएफसी के प्रोडक्ट्स में फ्राइड चिकन, चिकन सैंडविचेस, रैप्स, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सैलड्स, डेजर्ट्स, ब्रेकफास्ट, क्रशेस और मिल्क शेक्स अवेलेबल है। वहीं मैकडोनल्ड्स में हैमबर्गर्स, चिकन, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क शेक्स, सैलड्स, डेजर्ट्स, पैनकेक, कॉफी, ब्रेकफास्ट और रैप्स अवेलेबल है। इन सारे प्रोडक्ट्स में केएफसी के फ्राइड चिकन और मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 9, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मैकडोनल्ड्स के लगभग 210,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वहीं केएफसी में कम से कम 150,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। नंबर 10, की पीपल। केएफसी के सीईओ टोनी लोइंग्स, प्रेसिडेंट मोनिका रोजरी सीओओ, कैथरीन टेन सीएमओ और सीसीओ स्टैकी रॉल्स हैं। वहीं मैकडोनल्ड्स के चेयरमैन एनरिक हेनांडिस जूनियर है और क्रिस कैम्सन की यहाँ के प्रेसिडेंट और सीईओ है। नंबर 11, रेवेन्यू। विकिपीडिया के अनुसार केएफसी का रेवेन्यू 23 बिलियन US डॉलर्स है। वहीं मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू 21.076 बिलियन US डॉलर्स है। नंबर 12, मार्केट शेयर। मैकडोनल्ड्स का मार्केट शेयर 21.4% है और केएफसी का मार्केट शेयर 2.8% है, पर वर्तमान में केएफसी की ग्रोथ इंडिया में 21% तक हुई है। नंबर 13, रैंक। फॉर्च्यून 500 के अनुसार एनुअल रैंकिंग ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है मैकडोनल्ड्स और सेकंड रैंक पर है केएफसी की पैरेंट कंपनी यम ब्रांड्स। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसका टेस्ट ज्यादा पसंद है, केएफसी या फिर मैकडोनल्ड्स? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।